ग्वालियर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के 6 पदों के लिए शुक्रवार को मतदान किया गया। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो इसके लिए प्रशासन की टीम को तैनात किया गया। चुनाव की मतगणना शनिवार को की जाएगी। ग्वालियर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के 6 पदों के लिए शुक्रवार सुबह से मतदान शुरू हुआ, जिसमें सदस्यों ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 3 साल में एक बार चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के लिए मतदान किया जाता है। यह चुनाव व्यापारियों के संगठन के द्वारा किए जाते हैं, जिसका लक्ष्य व्यापारियों का उत्थान करना एवं मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना होता है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। प्रशासन की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी है, तो 6 पद है जो है, 6 पद के दोनों जो हाउस है, मीटिंग हाउस और व्हाइट हाउस, उसके जो कैंडिडेट है, इसके अलावा 60 जो है यहाँ पर पूरे पूरे बने हुए सरकारी है, निर्विरोध हो गए हैं। बाकी के लोग बचा हुआ है सदस्य। कितने बजे तक काउंटिंग शुरू हो गया? लगभग जो है पिछले बार तो 7 बजे तक निर्वाचन हुआ था, उसके बाद काउंटिंग प्रारंभ है, कोई आगे पीछे का नहीं पता चलता। कितने प्रत्याशी हैं? 6 दुनी 12 प्रत्याशी हुए और कार्यकारिणी के हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की गिनती शनिवार को होगी, जिसमें विजय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के नामों की घोषणा होगी। INC 24 न्यूज के लिए ग्वालियर से निकेश शर्मा की रिपोर्ट।